गुड मॉर्निंग, नमस्कार। और ये ब्रेकिंग न्यूज़ है राजस्थान की काउंसलिंग प्रोसेस को लेके। देखिए, आपने मेरे वीडियोस बहुत सुने होंगे और मेरे भी कुछ क्लाइंट्स हैं, और मैंने हमेशा आप लोगों को बताता ही था कि राजस्थान एकमात्र स्टेट था जिसने 2023 में थर्ड राउंड भी ऑफलाइन किया था सबके सामने जयपुर में। लेकिन मुझे वीडियोज़ में भी बोलने में कोई हर्ज नहीं कि कुछ कॉलेजेस थे जो अपनी कमिटमेंट को पूरी करते थे, बैंक गारंटी का पॉइंट उठा के या कुछ और पॉइंट उठा के, और उन्हीं को सीट मिलती थी जिन्होंने पहले कॉलेज में जाके बात कर रखी है। इस साल लेकिन जो मेरे पास पक्की खबर आ चुकी है फ्रॉम माई गुड पीपल इन राजस्थान कॉलेजेस कि इस बार राजस्थान का थर्ड राउंड भी ऑनलाइन होगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट को बढ़ा दिया जाएगा फ्रॉम 2 लाख टू 5 लाख। उसका कारण शायद ये रहेगा ताकि फालतू लोग अप्लाई ना करें। लेकिन ऑनलाइन का मतलब ये हुआ कि जो ऑफलाइन में कर पाते थे कुछ कॉलेज जयपुर बैठ के, वो नहीं कर पाएंगे अब थर्ड राउंड में। वो मुझे कह रहे हैं कि सर हम फोर्थ राउंड में संभाल लेंगे, लेकिन फोर्थ राउंड की नौबत बहुत मुश्किल से आएगी क्योंकि थर्ड राउंड में 5 लाख का डिपॉजिट होगा ना, तो वही वो 5 लाख का डिपॉजिट दे के सीट अलोकेट कराएगा जिसको ज्वाइन करना है, करेक्ट? तो एक इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए। दूसरा, हाउ टू प्लान। देखिए, वो तो अभी भी यही कह रहे हैं कि अगर आपके 300 नंबर हैं तो आप आ जाइए और आपको एक पर्टिकुलर कॉलेज की पक्का सीट मिल जाएगी। दैट इज़ अ ट्रेंड विच हैपन्स फॉर द लास्ट 5-6 ईयर्स, राइट? तो भाई 50 नंबर जो इस साल रैंक गिरी है उसका मैं लेकर बोल रहा हूँ, किसी के 350 है तो पक्का राउंड 3 में मिल जाएगा। अब सवाल ये है कि अगर आपके 350 हैं तो क्या आप राजस्थान के राउंड 3 का वेट करना चाहेंगे या उससे पहले ही और स्टेट्स में राउंड 2 में या MCC में राउंड 3 तक सीट लेना चाहेंगे? तो वो एक क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको, तो अल्लाह संटे यू लव राजस्थान कॉलेजेस और आपके मार्क्स बहुत कम नहीं है, माई सजेशन इज़ दैट यू शुड नॉट रिलाई ऑन राजस्थान। तो इफ़ यू आर 300+, 350+, देर आर मैनी अदर ऑप्शंस। क्योंकि हाँ, ये ज़रूर है कि आप उसके बाद अगर आप कहेंगे कि राजस्थान में जाना है और आप कॉलेज को कॉन्टैक्ट करेंगे इवन थ्रू अस, फिर ये ज़रूरी है कि वो उन्हीं को सीट देंगे इवन इन ऑनलाइन राउंड। या सीट तो किसी और को मिल जाएगी, लेकिन जब आप अलॉटमेंट के लिए, रिपोर्टिंग के लिए जाएंगे तो आपसे भाई बैंक गारंटी और बाकी चीज़ें मांगी जाएंगी जो आपके पास नहीं होगी। तो फिर भी ये बड़ा ज़रूरी है कि आप राजस्थान को भी देख रहे हैं तो आप कॉलेज से तो पहले बात करके रखिए। लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि अपना सीट अश्योर नहीं रह गई है, फिर इस चीज़ को समझिए। चाहे वो मध्य प्रदेश था, चाहे वो कर्नाटक है, चाहे वो राजस्थान है, चाहे वो पुदुचेरी, तमिलनाडु, इंडिया का कोई भी कोना, 2023 के रूल के बाद से कोई भी सीट मर्जी से कोई ओनर, कोई लाला आपको नहीं दे सकता। तो फिर आप ही पूछोगे, सर आप एक महीने से वीडियोज़ बना बना के हमें पका रहे हो, बुकिंग कराओ, हमारे थ्रू कराओ, चक्कर क्या है? तो मेरा फ़र्ज है समझाना। आई थिंक कभी बार होता नहीं, वीडियो लंबा हो जाता है तो मैं शायद उतना डिटेल में नहीं समझा पाता, तो ये वीडियो वो में भी आपको हेल्प करेगा। जैसे मैंने आपको भी राजस्थान का एग्जांपल दिया। देखिए, बुकिंग का पर्पज़ ये होता है कि जनरली इन तीनों जगह पर आप डील से जाते हो, डील मतलब MRP से कम। देखिए, मध्य प्रदेश में जितने भी कॉलेज हैं उनमें जो 15% NRI सीट्स हैं उसकी फीसिस 40 लाख पर ईयर है। क्या आप 40 लाख पर ईयर दोगे क्या? नहीं। तो फिलिंग करने से पहले, मतलब सीट लेने से पहले, आप कॉलेज से बात कर लेते हो कि भाई मैं टोटल 1.25 करोड़ दूंगा, दैट मीन्स रफली आप 28 लाख पर ईयर दे रहे हो जिसकी फ़ीस 40 लाख पर ईयर है। इसको बोलते हैं बुकिंग या डील। वो आपने जाके बात कर ली। सेम जो कर्नाटका की स्टेट कोटा के कॉलेजेस हैं, केम्पेगौड़ा, वेदेही, BGS, सप्तागिरी सेटर्स, सेम राजस्थान जहाँ पर 35 लाख आपको पता है कॉलेज में मैनेजमेंट फ़ीस रखी हुई है, या कुछ कॉलेज ने 30 लाख रखी हुई है, या कुछ कॉलेज ने 25 लाख भी रखी हुई थी लास्ट ईयर तक पर उस पर डिस्काउंट देते थे, वो लेने के लिए आपको पहले बात करके डील करनी पड़ती थी। लेकिन कोई भी कॉलेज ये आपको गारंटी नहीं दे सकता कि मैं ऑनलाइन राउंड में आपको सीट दिला दूंगा। ऑफलाइन राउंड में फिर भी हो जाता था बिकॉज ऑफ थिंग्स विच आई हैव टोल्ड यू इन द पास्ट, बट इस साल तो अब राउंड 3 तक कहीं पर भी ऑफलाइन नहीं है। तो चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे राजस्थान हो, सीट तो आपको ऑनलाइन अलॉटमेंट होनी है। तो फिर आप भाई, तो फिर आप पहले बात और पहले बुकिंग या थ्रू कंसल्टेंट क्यों कर रहे हो? तो कोई भी एक स्टेट उठा लेते हैं, लेट्स से आप MP में जाना चाहते हो, पर आप 2 करोड़ की फीस तो नहीं दोगे ना। तो आप 4 कॉलेजों में गए और चारों कॉलेज में आपने बात ये कर ली कि सर मैं फॉर्म फिलिंग करने वाला हूँ, बट अगर मुझे सीट मिल गई तो मैं 1.25 करोड़ के पैकेज में आऊँगा, ये आप मुझे गारंटी दे रहे हो ना। हर कॉलेज बोलेगा ठीक है, इस चीज़ की गारंटी के लिए आप हमें 5 लाख रुपीज़ एडवांस या टोकन दीजिए। अब आप कहोगे जो 5 लाख, आपको क्या गलत फहमी होती है कि 5 लाख दे दिए तो सीट मेरी 100% कन्फर्म है? नहीं, फिलहाल 5 लाख दिए आपने डील कन्फर्म करने के। इसका मतलब ये है
कि 5 लाख देके आपकी डील वो है, तो अब आप कहोगे सर अगर उस दिन सीट मिली नहीं तो फिर वो पक्का 5 लाख भी आपके वापस कर देगा, ये है मतलब वो करेंगे, या अगर किसी कंसल्टेंट के थ्रू गए हैं तो कंसल्टेंट वापस करवा देगा, लेकिन सीट तो मिलनी चाहिए अलॉटमेंट से। अब जनरली ऐसा होता है कि कॉलेज वाले भी थोड़ा ध्यान रखते हैं, कंसल्टेंट्स भी ध्यान रखते हैं कि भाई अगर एक पर्टिकुलर कॉलेज में 35 सीटें हैं तो ये जो डील हुई है ये 40 लोगों से ज़्यादा से ना हो, बट कभी कभी ये डील किसी के कंट्रोल में रहती नहीं, खासकर कॉलेज वालों के। जब आप कॉलेज में डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करो सबको कहते हैं भैया, मतलब अगर मैं नाम ले लूँ तो पीपल भोपाल ने सबको बोल रखा है 1 करोड़ 20 लाख में मैं आपको ट्यूशन फी में पैकेज दे दूँगा, उन्हें खुद नहीं पता वो किसको, क्योंकि उन्होंने जो चिपका रखा है पोस्टर अपने कैबिन के बाहर, तो जितने मर्जी बच्चे वहाँ जा रहे हैं सबको 1-20 की डील दी जा रही है। तो भाई वो तो फिर अलॉटमेंट तो मेरिट से मिलेगी ना, तो उसने बोला कि आप अलॉटमेंट लेटर ले आइएगा तो 1-20 में आपका काम कर देंगे, फिलहाल इतने पैसे छोड़ जाइए, सीट मिली तो ठीक है नहीं तो पैसे वापस ले जाइएगा। अब आपको बात समझ में आ रही है, तो ये जो बुकिंग होती है ये डील के लिए होती है। अब मुँह जुबानी डील, वो आपने 6 जगह से डील करके आ गए और बाद में कहीं नहीं गए, तो कॉलेज कहता है जो मैं आपको डील दे रहा हूँ, आपको मैं लिख के दे रहा हूँ कि मैं आपको इतने रेट में दे दूँगा, उसके बदले मुझे कुछ टोकन अमाउंट देकर जाइए। कॉलेज के भी मजे है ना जी, कि अगर आपको कहीं और सीट मिल जाती है और आप उसको जाके बोलते हैं मुझे सीट नहीं चाहिए तो आपका टोकन अमाउंट वो खा जाएंगे। अगर आपको सीट वैसे नहीं मिली उस राउंड में वो आपको वापस कर देगा, और मिल गई तो आपकी डील ऑनर की जाएगी। ये होता है फंडा, इसको समझिए, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जब हम कहते हैं कि कंसल्टेंट के साथ फ़ायदा ये है कि अपन आपके बिहाफ पे 3-4 कॉलेज में बात करके रखते हैं, क्योंकि हमारी हर कॉलेज में जान पहचान है। तो हमने कोई रायसाना केस उठाया है तो मैंने उसके बिहाफ पे एक तरह से 4 कॉलेजों में पैसे दे दिए, क्योंकि हमने तो 4 कॉलेजों में एक तरह से 4-4 बच्चों के हिसाब से पैसे दे रखे हैं ना, 20-20 लाख रुपये मिल के, मतलब 2-3 लोगों ने, तो उसका एडवांटेज, या सेम MP में सेम कर्नाटका में जो करता है, तो उसका एडवांटेज ये होता है कि अगर आपका नंबर इस कॉलेज में नहीं आया तो उसमें आ जाएगा, तो आपकी जेब से तो एक बार पैसे गए और आप 4 कॉलेज में आपकी डील इंश्योर हो गई। क्लैरिटी मिल रही है? प्लीज़ ओके, क्योंकि मेरे को लगता था कि शायद मैंने इतने एक्सप्लेन करके आपको नहीं बताया था, तो आप में से कई लोग फिर से बेवकूफ़ बन रहे थे। तो इस तरह से आपको हेल्प होगी, इस तरह से आपको MP कर्नाटका राजस्थान या साउथ के किसी भी कॉलेज को देखना है। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। और हमसे संपर्क करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, यू नो अवर नंबर 9643-6230, कॉल कीजिए। मैं आपको हमेशा कहता हूँ, आपको कभी GK वर्ष से SMS टेलीकॉलिंग नहीं आती ना, तो ना हम आपको तंग करते, और सिमिलरली आपको इतना अच्छा ज्ञान मैं फ्री में दे देता हूँ। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बट हमसे डायरेक्टली काम करना चाहते हैं तो फर्स्ट कॉल भी पेड होती है, 2,500 रुपये फ़ोन पे बात करने के, 5,000 रुपये जूम या वीडियो कॉल के, और फिर जो हमारे पैकेज हैं जो 30,000 से 1.5 लाख रुपये जाते हैं, वो 1.5 लाख इसी प्रोडक्ट के लिए होता है कि जब हम ये NRI ऑफ मैनेजमेंट सीट की बात कर रहे हैं, वो आपको पे करने पड़ेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, भगवान करे आपको अच्छे से अच्छे कॉलेज मिले, ऑप्टिमल कॉलेज मिले जो आप अपने मार्क्स पे डिज़र्व करते हैं। ओके, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।